मैं जानना चाहता हूं इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की तो ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, यह जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे।